अपने YouTube चैनल आली जोन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम आज आपके लिए बनाने जा रहे हैं पकोड़े। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। आइए देखते हैं पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए आलू। 3 से 4 आलू लेकर हमने इन्हें छील कर बारीक बारीक काट लिया है। बेसन 1 कप, सब्ज़ मिर्च 7 से 8 अदद, उन्हें भी हमने काट लिया है। प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ की। दही 1/2 कप, अनारदाना 2 चम्मच, साबुत धनिया 2 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। हल्दी 1/2 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच। तो फ्रेंड्स, आइए बनाते हैं पकोड़े। सबसे पहले हम आलू डालेंगे। एक बाउल ले लेंगे, उसमें आलू डाल देंगे, बेसन, प्याज, दही, सब्ज़ मिर्चें, अनारदाना, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, फ्रेंड्स धनिया, अजवैन और जीरे को हमने थोड़ा हल्का सा कूट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम इसमें, क्योंकि हमने इसमें दही डाली हुई है। देखिए फ्रेंड्स, हम अच्छी तरह इसे मिक्स कर रहे हैं, हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके लिए। हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब हम इसके पकोड़े बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म कर लिया है, अब हम इसमें पकोड़ों का मिक्सचर डाल लेंगे इस तरह से। इसी तरह आप सारे पकौड़े डालते जाएं। देखिए फ्रेंड्स, हमने तमाम कढ़ाई में पकौड़े डाल लिए हैं। जब पकोड़े एक तरफ से ब्राउन हो जाएं तो उसे दूसरी तरफ पलट दें। एक तरफ से पक चुके हैं, फ्रेंड्स हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बाकी के पकौड़े भी हमने तैयार कर लिए हैं। हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक और कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।